नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लाइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूँ, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं दोस्तों। नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये वो रिपोर्ट है जो 2/11/2020 को ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की थी। 2/11/2020 जे के पंडित जो एक्चुअली फर्म है, उन्होंने इस रिपोर्ट को निकाला था और इसको सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपने जवाब में सबमिट किया था। और इन्होंने जो एस्टिमेशन ऑफ लायबिलिटी दिखाई थी, जिसको मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि ये झूठा है और ईपीएफओ ने गलत जानकारी के आधार पर ये रिपोर्ट बनवाई है, गलत जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी है और उससे ये डिसीजन लिया गया कि 60 महीने की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। 60 महीने मतलब 12 महीने, जो 2014 का वो सर्कुलर था जिसको केरला हाई कोर्ट ने जिसको रद्द कर दिया था, जिसको क्वेश कर दिया था कि आप ऐसा लागू नहीं कर सकते। और केरला हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप पहले इसको लागू कीजिए और फिर लागू करने के बाद देखिए कि यदि आपको लॉस जाता है 1 साल 2 साल तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं या इसे रद्द कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी केरला हाईकोर्ट के डिसीजन को बदल दिया। अब आप इस डिसीजन को देखिए, इस रिपोर्ट को देखिए। एस्टिमेशन ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द ईपीएस 95 एज ऑन 31/3/2019 की ही है, उसके बाद की नहीं है। फॉर एम्प्लॉयज ड्राइंग सैलरी ऑफ 15,000 एंड मे ऑप्ट हायर पेंशन ऑन द कंट्रीब्यूशन रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी 15,000 रुपए ड्रा कर रहे हैं आप और हायर पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इन्होंने क्या लिया है। We had estimated liability of the employees drawing salary above 15,000 and having contribution to the provident fund and salary above 15,000 if they were to opt for the pension on higher salary, यदि वो higher salary opt करते हैं तो ये report उन्होंने बनवाई है। Report क्या कहती है, We received the data of 1.03 crore members. पहली बात तो यह है कि 1.03 करोड़ मेंबर्स का इन्होंने डाटा लेके दिया है। उस डेट में 1.3 करोड़ मेंबर्स, उनको 2014 से पहले लोगों को सबको मिलाकर थे एंटाइटेड लोग। इस डेट में 2014 से पहले के सारे लोगों को मिलाकर इतने लोग एंटाइटेड थे उस पेंशन के, यानी इन्होंने उस समय सब लोगों को लेके डाटा दिया था। एवरेज सैलरी इन्होंने लिया 75,388 रुपए पर मंथ एक व्यक्ति की। यह भी गलत है और मैं नहीं मानता कि इतनी एवरेज सैलरी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस 1 करोड़ में से केवल 2 लाख एम्प्लॉई और पब्लिक सेक्टर के होंगे या ऐसे सेक्टर के होंगे जिनकी एवरेज सैलरी 50,000 से ऊपर होती है। अदरवाइज तो बाकी सब लोग ऐसे ही हैं, 15,000 से ऊपर तो है लेकिन 17,000 18,000 20,000 30,000। मैं देख पाता हूं कि प्राइवेट सेक्टर क्या इतना पैसा देते हैं और यदि देते भी हैं तो वो कितने लोगों को देते हैं। वो केवल 10% और 5% लोगों को देते हैं, बाकी की सैलरी तो आज भी 25-30 हजार रुपए है, आज 4-5 साल बाद भी। इन्होंने 2019 में ये ले लिया 75,000 एवरेज। और आज जब पब्लिक सेक्टर के लोगों की, मेरी खुद की कैलकुलेशन में 50 लोगों का सर्वे हमने किया है और उसमें 50 लोगों के सर्वे में ये 70,000 के आसपास आती है, पब्लिक सेक्टर के लोगों की 70,000 के आसपास आती है उसमें से, तो इन्होंने किस आधार पर 75,000 लिया है। खैर, इनके पास डाटा हो सकते हैं और इन्होंने हो सकता है जिस आधार पर लिया है उसको यदि हम मान भी लें, और इन्होंने 7.29 ईयर्स पास सर्विस मानी है, चलिए हम आप इसको मान लेते हैं। अब इन्होंने और आगे क्या किया है, इनकी रिपोर्ट यह कहती है कि इन्होंने इस रिपोर्ट में ये चीजें मानने के बाद में फिर इन्होंने ये कैलकुलेशन कराई है। इन्होंने माना है कि 7% सैलरी हाइक होगा एवरेज, ये भी मान लेते हैं कि 7% सैलरी हाइक होगा।
7% एवरेज आ सकता है, कुछ लोगों का 5% होता है, कुछ लोगों का 10% होता है, 2 साल का डिफरेंस है ये भी मान लेते हैं, 8% इन्होंने इंटरेस्ट माना है, डिस्काउंटिंग रेट माना है, डिस्काउंटिंग रेट मतलब इंटरेस्ट माना है ये मान लेते हैं, और फ्लोर डिस्काउंट रेट 6% माना है, 2% कम करके ये भी मान लेते हैं। अब यहां देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल बेनिफिट्स इन्होंने लिखा लिया 33,44,380 करोड़ एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन ये इन्होंने 10,00,000 करोड़ मानी है, और एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे उस समय जो फंड है 2019 में 31/3/2019 में जो फंड है वो 5,00,000 करोड़ है, ये फैक्ट है, ये तो है अवेलेबल है बैलेंस शीट में। अब इन्होंने लेट लायबिलिटी दिखाई है 18,00,000 करोड़ की। अब यदि आप इसको देखिए एक्चुअल स्थिति में इसको हम देखते हैं, एक्चुअल स्थिति क्या बनती है, एक तो 1 करोड़ लोगों के लिए है ये डेटा, ठीक है, 1 करोड़ का एप्लीकेशन आई 17,00,000 लोगों की 17.49 यानी 1,03,00,000 लोगों की ये है, और 1,03,00,000 लोगों को आप डिवाइड कर दीजिए यानी 1/6 एप्लीकेशन आई है, यानी 18,00,000 करोड़ को 1/6 कर दीजिए तो ये लायबिलिटी एक्चुअल में रह गई 3,00,000 करोड़, ना कि 18,00,000 करोड़, क्योंकि एप्लीकेशन ही नहीं आई आपके पास और एप्लीकेशन थी ही नहीं। मैं कहता हूं आपसे कि इतने लोग एंटाइटल ही नहीं थे, एप्लीकेशन ही नहीं थी, एप्लीकेशन 17.5 लाख लोगों की है केवल, तो 1,03,00,000 लोगों को यदि 17.5 से डिवाइड करेंगे आप तो लगभग 6 टाइम हो गया, तो यानी केवल 3,00,000 करोड़ की लायबिलिटी आएगी, और 3,00,000 करोड़ के बदले भी एक एक व्यक्ति 17.5 लाख लोगों में एक एक व्यक्ति एवरेज जो आता है हमारा वो लगभग 14.5 लाख पाता है, यानी एक व्यक्ति 14.5 लाख रुपए जमा करेगा ईपीएफ में तब वो पेंशन का हकदार बनेगा। उस 14.5 लाख से आप उसका विद इंटरेस्ट लगाइए, आप उस पर इंटरेस्ट कमाएंगे और तब पेंशन देंगे, तो ये डाटा टोटल गलत है, 1/6 ऐसे हो जाता है ये, यानी ये 3,00,000 करोड़ की लायबिलिटी आज की डेट में एक्चुअल में बनती है, और किसी भी कीमत पे फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में यदि ये एक्चुअल डाटा पेश किया गया होता तो ये 60 महीने का एवरेज नहीं होता, फिर 12 महीने का ही एवरेज होता। इन्होंने आगे भी देखिए क्या नक्कारी की हुई है, जो रिपोर्ट दी है इन्होंने माना है कि यदि सेंसिटिव एनालिसिस किया है इन्होंने, सेंसिटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि हम 8% पे ये देखते हैं कि यदि डिस्काउंट रेट 8% है अगले दिनों में 15% हो जाता है, यदि 15% सैलरी बढ़ती है तो कितनी बड़ी, क्या 15% सैलरी एवरेज बढ़ती है 1 करोड़ लोगों की हमारे देश के अंदर, तो ये सर्विस एस्केलेशन है, यानी इतना एस्केलेशन होता है क्या 15%, और वो भी एवरी ईयर और वो भी हर व्यक्ति का, तो इन्होंने इस पे अनुमान लगाया है कि देखिए यदि 15% होता है तो 1,00,000 करोड़, और इन्होंने यहां भी तो इस तरह यदि एक डेटा गलत डेटा पेश करके इन्होंने नेट लायबिलिटी गलत दिखाकर सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन लिया है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये डिसीजन इन्होंने गलत लिया है, और आप देखेंगे कि इन्होंने इसमें जो सबसे बड़ी बात की है 1,03,00,000 लोगों का डाटा लिया है, आपने ऊपर देखा 1,03,00,000 लोगों का डाटा, इसी से पता लगता है कि 17.5 लाख एप्लीकेशन आई है और आपने 1,03,00,000 लोगों का डाटा लिया हुआ है, तो इस तरह इससे यह पता लगता है कि आज की डेट में इस केस को रिव्यू किया जाए एक्चुअल बेसिस पे तो हमारी 12 महीने की पेंशन बहाल हो सकती है, और ईपीएफओ के पास इतना पैसा है, और हम जितना पैसा जमा करेंगे यदि उसका इंटरेस्ट आप भाई 5 साल में तो आप इंटरेस्ट अर्न करें तो वो वैसे ही दुगना हो जाता है, आप यदि एक व्यक्ति 14,00,000 रुपए जमा कर रहा है तो वो अगले 5-7 साल में वैसे 28 लाख हो जाते हैं, तो इस वजह से ये डाटा सारे के सारे गलत दिए गए, और गलत डाटा के आधार पर ये हमारे जो वकील थे उनको चाहिए था, उनको स्टडी होनी चाहिए थी कि वो ये कह पाते कि आपका डाटा गलत है जब उनको ये मिल गया था, या यदि ये किसी से सलाह लेते तो। चलिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये रिपोर्ट टोटल गलत और मिसलीडिंग है, ये रिपोर्ट टोटल सुप्रीम कोर्ट में जो सबमिट की गई थी वो बिल्कुल गलत थी, और आज की डेट में इसका कोई भी लेना देना एक्चुअल चीजों से नहीं है, इसका अपने आप ही ये 1/6 टाइम हो जाती है, और 1/6 18,00,000 करोड़ की यदि लायबिलिटी आप दिखाई भी रहे थे तो आप मानिए 3,00,000 करोड़ तो वैसे ही रह गई,
यानी 1/6 तो वैसे रह गई, तो आपकी सारी कैलकुलेशन खराब है और कैलकुलेशन गलत है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।